हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुजाता। आप लोग देख सकते हैं इधर बारिश बहुत हो रही है, और बारिश हो पकौड़ा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग बनाएंगे भरती पकौड़ा, आप लोग देखिएगा जरूर। आई होप आपको पसंद आए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इधर में हम लोग एक बर्तन में बेसन ले लिए हैं, उसमें अजवाइन और नमक डाले हैं, उसके बाद काली जीरा थोड़ा दे दिए इसमें। इसमें हम लोग मसाला दे रहे हैं, इसमें हम लोग मसाला में दिए हैं मिर्ची और जीरा गुड़ा, हल्दी गुड़ा, लहसुन, और इस सबको पेस्ट बना के हम लोग अब इसमें डाल रहे हैं। डालो मिक्स करो इसको। अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी देख के इसे एक बटर जैसा बनाएंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई में तेल ऑयल डालकर अब इसमें हम लोग आलू का बॉयल आलू उधर किया हुआ है छोटा छोटा पीस, उसमें फिर हम लोग करके इसे हम लोग बैटर में पूरा अच्छे से कवर करके इसमें आलू का पकौड़ा हो रहा है, एक एक करके ऐसे भाज लेंगे हम लोग। फिर हम लोग थोड़ा पलट देंगे, आलू का पकौड़ा का बाद अब हम लोग इसमें बैटर में बैगन देकर बैटर को अब तेल में इसको देंगे। अब इधर बैगन का पकौड़ा बन जाए। सेम बैटर में हम लोग बैगन को डिप करके उसमें बना रहे हैं। अब इसे हम लोग पलट देंगे। सेम प्रोसेस जैसे आलू का पकौड़ा हम लोग बनाए हैं उसे ही हम लोग बैगन का पकौड़ा को निकाल लेंगे। हो चुका है चना का दाल को पीस के इसका हम लोग पकौड़ा बनाएंगे। इसमें हम लोग प्याज बारीक काट के डाल दिए हैं, मिर्ची डाल दिए हैं, और इधर में नमक है, और लहसुन और मिर्ची का कच्चा मिर्ची का और जीरा गुड़ा का सब पेस्ट हम लोग बना के इसमें दे दिए हैं। अब इसे हम लोग इसका भी हम लोग पकौड़ा बनाएंगे एक एक करके। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं घर में।
मसाले थोड़ा लेकर टेस्ट कर देना। इसे हम लोग थोड़ा पलट देंगे। आप लोग देख सकते हैं पकोड़ा हम लोग का, चना का दाल का ये पकोड़ा हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग इसे बाहर करेंगे, निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पकोड़ा बन चुका है, वैरायटी पकोड़ा, आलू का, चना का दाल का पकोड़ा एंड बैगन का, ये सब मेरे मम्मी बनाई है। अब मम्मी का हाथ का पकोड़ा का खाने का मजा कुछ अलग ही है। आप लोग इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, वेरी टेस्टी, खाने में बहुत टेस्टी है। ठीक है ना, आप हम को आप लोगों को पसंद आए तो मेरा ये सब चैनल प्लीज़ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।